हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि विडमेट की वीडियो को प्ले कैसे किया जाए। अभी जो कंडीशन है विडमेट से वीडियो जो डाउनलोड की जा रही है उसे कैसे प्ले करना, क्योंकि पहले की वीडियो क्या है जो कि किसी भी प्लेयर में स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अभी की कंडीशन में ये हो रहा है कि विडमेट अपडेट हो चुका है और इसमें जो वीडियो हम डाउनलोड करते हैं यानी कोई सी भी मूवी या वीडियो है उसे हम किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्ले नहीं हो रही है। तो क्या कारण है इसका, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमें कोई भी वीडियो अगर डाउनलोड करना है यूट्यूब से तो विडमेट का ही ज़्यादातर सहारा लिया जाता था, और किसी को भी मूवीज डाउनलोड करने की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता होती थी तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, यूट्यूब से रीडायरेक्ट करके उसे विडमेट से डाउनलोड कर लिया करते थे। और जब क्या होता था कि विडमेट का जो भी वीडियो फॉर्मेट है वो डाउनलोड होकर किसी भी प्लेयर में ओपन हो जाता था, लेकिन जब से विडमेट अपडेट हुआ है तब विडमेट की वीडियो प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको बताने वाले हैं कि विडमेट की वीडियो को प्ले कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि विडमेट ने अपने अपडेट में बता दिया है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं विडमेट की वीडियो प्ले करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रही। वीडियो का जो टाइमिंग होता है सेम बताया जाता है लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो पा रही। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या करना है विडमेट की वीडियो को डाउनलोड कर उसे प्ले करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बता देते हैं आपको क्या क्या तरीका करना होगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या ये सही में चल रही है या नहीं बिना सॉफ्टवेयर के। तो चलिए हम विडमेट पर चलते हैं। ये देखिए, हमने डाउनलोड किए, पहले हम इसे प्ले करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही हमें बता रहा है हाउ टू प्ले। फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉल प्ले इट प्लेयर ऑन गूगल प्ले। ठीक है, प्ले दिस वीडियो प्ले इट प्लेयर। ठीक है, यानी कि आपको विडमेट से डाउनलोड की वीडियो को चलाने के लिए प्ले इट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ से प्ले इट को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सॉरी, प्ले इट, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर ही है, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल है। देखिए, हम आप इसे डायरेक्ट बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रखा हुआ है प्ले इट, इस पर हमने क्लिक किया, जो विडमेट से हमने वीडियो डाउनलोड की रखी है ये वो हमें यहाँ पर शो कर दी जाएगी। और इसके लिए आपको अपना डाटा भी बंद रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको विदाउट डाटा ये प्लेयर आपका काम करेगा। ये देखिए, यहाँ पर शो हो रही है, ये कुछ मूवी है। देखिए, इसे प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये प्ले हो जाएंगे। देखिए, प्ले हो चुकी है। ये देखिए ये प्ले हो रही है मूवी। तो बस आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और विडमेट से डाउनलोड की हुई सभी वीडियो को प्ले कर लेना है बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरीके से आप विडमेट की डाउनलोड की हुई वीडियो को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं प्ले इट सॉफ्टवेयर में। इसको आपको इंस्टॉल करना है या फिर अपने विडमेट में जाकर वहां से इसे अपडेट कर लेना है। तो इस तरीके का ये प्लेयर जो कि विडमेट ने अपडेट किया अपनी वीडियोस को चलाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप किसी भी तरह से विडमेट की वीडियो को प्ले कर लेते थे कोई से भी प्लेयर, लेकिन जब तक आप प्ले इट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे विडमेट का कोई भी आप वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा। अगर कोई शॉर्टकट हमारे पास आता है तो बिल्कुल आपके साथ अपडेट के जरिए हम शेयर करेंगे कि विडमेट की वीडियो को डायरेक्ट किस तरीके से प्ले किया जा सकता है। अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर आता है तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि आप प्ले इट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए हैं तो किसी और सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड नहीं करना है, परेशानी की कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाय।